हाँ, तो अगला स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट का है। ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट? ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल में मूवमेंट कराते हैं। मतलब ऐसे आप समझिए कि इस सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे फिलामेंट पड़े हुए हैं और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। तो ये जो फिलामेंट हैं इनको हम लोग माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब पे पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ये गोल सा स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने लिखा माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रेजेंट है। इनका दूसरा इफेक्ट देखिए, दूसरा अगर देखा जाए तो एक इफेक्ट होता है जिसे हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस को अगर हम लोग लिखें शॉर्ट में तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। मतलब इसका अगर हम लोग सिंपल मीनिंग निकालें, सिंपल मीनिंग निकालें तो इस माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट कारण ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है ये रोटेट करता है। ये जो माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट है इसके कारण सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो रोटेट करता है, उससे रोटेशन को साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस किसी भी लिविंग सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लेकिन आपको बताऊं, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है इसलिए जो साइक्लोसिस जैसा करेक्टर है, जो लिविंग सेल का एक करेक्टर है, वह यूकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है। मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस नहीं पाई जाती है, उसका साइटोप्लाज्म रोटेट नहीं करता है। अगर आप ऐसे समझे कि अगर ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इस बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कभी भी रोटेट नहीं कर सकता है। क्यों रोटेट नहीं कर सकता है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में वो माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट नहीं पाए जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट नहीं पाए जाते हैं। तो माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट जब पाए जाएंगे तभी सेल में साइक्लोसिस होगी। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस अब्सेंट होती है जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस प्रेजेंट होती है। साइक्लोसिस मतलब इस यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म ऐसे रोटेट कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है? हम मूव कराएंगे नहीं, ये माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट इस साइटोप्लाज्म को रोटेट करा सकते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म है इसका मूवमेंट नहीं हो सकता है। रोटेशन कौन करा रहा है? माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट करा रहे हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस नहीं होती है जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस होती है। एक डिफरेंस और देखिए आप, सीलिया एंड फ्लैचला का, सीलिया एंड फ्लैचला का स्ट्रक्चर देखिए, सीलिया एंड फ्लैचला का डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सीलिया एंड फ्लैचला का डिफरेंस ये है कि यहां पर सीलिया है, यहां पर सीलिया और फ्लैचला प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। और अगर हम आपसे कहें, यहां आपसे कहें तो इस जगह पर भी सीलिया और फ्लैचला प्रेजेंट है, तो आप कहिए क्या कोई डिफरेंस है दोनों में या एक चीज है? अगर मैं आपको सीलिया के बारे में बताएं तो आप पैरामीशियम ऐसे बनाते हैं, इसमें छोटे छोटे से रोए निकाल देते हैं, ये जो रोए हैं इन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं, ये देखिए। और अगर हम फ्लैचला की बात करें, आप स्पर्म सेल ऐसे बनाते हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये फ्लैचला है। तो क्या दोनों के सीलिया और फ्लैचला एक जैसे हैं या दोनों के सीलिया और फ्लैचला डिफरेंट है? तो अगर आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो माइक्रोट्यूबुल है अब्सेंट है, यहां मैंने लिखा हुआ है, तो इस माइक्रोट्यूबुल के कारण ये जो सीलिया ऑफ फ्लैजला है इसमें 9+2 ऑर्गेनाइजेशन अब्सेंट होता है। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन सीलिया ऑफ फ्लैजला का अब्सेंट होता है। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन सीलिया ऑफ फ्लैजला का है, ये बाद में डिस्कशन होगा। लेकिन ये जो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये 9+2 का मतलब ये हुआ, 9+2 का मतलब ये हुआ कि 9 माइक्रोट्यूबुल का डबलेट किनारे किनारे और 2 माइक्रोट्यूबुल का सिंगलेट बीच में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में 9+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। यहां पर जो सीलिया ऑफ फ्लैजला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है। किस प्रोटीन की बनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है। और यहां पर जो सीलिया और फ्लैजला बनी है वो फ्लैजलिन प्रोटीन की बनी है, फ्लैजलिन प्रोटीन की बनी है।
तो ये देखिए ये मेजर डिफरेंस है, मतलब आप समझे एक बार फिर से इसका टोटल कॉन्सेप्ट देखिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट जो है, अगर ये एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रेजेंट है, इसके कारण सेल में साइक्लोसिस होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी, यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस होगी। इस माइक्रोट्यूबुल के न होने के कारण प्रोकैरियोटिक सेल में 9+2 ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, फ्लैजेलेट प्रोटीन का यहाँ पर सीवियर फ्लैजेला बना है, जबकि इस माइक्रोट्यूबुल की यहाँ होने के कारण 9+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या है, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है और यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनी हुई है, वैसे प्रोटीन पड़ी हुई है ट्यूबुलिन प्रोटीन। आइए हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने भी पैसे पढ़ाया, हम लोग भी ऐसे देखते हैं। जब किसी आप स्ट्रक्चर किसी सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपने यूकैरियोटिक सेल को यहाँ लिखा है, तो अगर आप सेल को देखें तो उधर बनी है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैंने उधर बना रखा, इधर फिगर पर बना रहा हूं। तो अगर कभी आप सेल को देखें, कभी भी आप यूकैरियोटिक सेल को देखें, तो इस यूकैरियोटिक सेल में दो पार्ट होते हैं, जैसे जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसे सेल कोट कहते हैं। पहले आप ये समझ लें, सेल कोट को छोड़ के जितना भी स्ट्रक्चर बचता है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ये बात लिख दूं कि प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है और सेल कोट हमेशा नॉन लिविंग होती है। जब ये बात आप समझेंगे तब आपको मजा आएगा। जैसे आप इस सेल को देखें तो इसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर आप यहां से देखें तो इस सेल की ये जो आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपने कोई भी मेम्ब्रेन खींचने का प्रयास किया, कोई भी मेम्ब्रेन आपने अगर खींच दिया ऐसे, इस तरह से देखिए, तो ये जो भी मेम्ब्रेन आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर खींचा है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग सेल कोट कहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होगा वो नॉन लिविंग होगा। तो अगर हम आपसे पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो अभी के लिए आप तुरंत बोलेंगे, सर अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बना रहे हैं तो आप सेल वॉल बना दीजिए। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर स्ट्रक्चर आप खींच रहे हैं तो सेल वॉल होगी। तो सेल कोट जो है इसमें दो चीजें हैं, अगर आप समझें, इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स का एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स एक तो प्रोटिस्टा में पाया जाता है, मतलब सेल के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर है प्रोटिस्टा में, और दूसरा कभी कभी ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, समझना इस बात को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम लोग सेल कोट कहेंगे और वो सेल कोट हमेशा नॉन लिविंग होगी। जैसे आपने कहा कि सेल कोट में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, दूसरा चांस ये हो सकता है कि इस सेल कोट में दूसरी जो मेम्ब्रेन हो वो सेल वॉल हो जाए। तो सेल वॉल कहाँ कहाँ हो सकती है, अगर आप सेल वॉल के बारे में पढ़ें तो सेल वॉल एक तो हो सकती है बैक्टीरिया में, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरी हो सकती है वो एल्गी में, ये यूकैरियोटिक सेल है। इससे मतलब नहीं है, हम तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं एल्गी में, दूसरा ये हो सकती है फंजाई में, और तीसरी हो सकती है ग्रीन प्लांट्स में। ये वो जगह है जहां पर आपको सेल वॉल दिखाई पड़ सकती है। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई प्रोटोप्लाज्म पूछे, कि आपसे कोई पूछे प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म कहाँ है, तो आपको ये बताना है कि अगर आप प्लांट को, प्लांट सेल में आपको प्रोटोप्लाज्म चाहिए, तो आप प्लांट सेल के जो आउटर बाउंड्री है जिसको सेल वॉल कहते हैं उसको आप रिमूव कर दें, जितना बचेगा वो सब का सब प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है। तो अगर आप सेल वॉल निकाल देते हैं, सेल का अगर सेल वॉल निकाल देते हैं, तो जो बचता है वो प्रोटोप्लाज्म है। मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें, कहीं इक्वेशन टाइप का लिखें, तो प्लांट सेल में माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म में तीन चीजें हैं, आप समझिए इस बात को, बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। तो इसमें जो पहली चीज है वो है, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप समझ रहे हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के ठीक अंदर है। ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके
इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बेटा हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो माने सेल, प्लाज्म माने ये मैटर की चौथी स्टेज है साइटोप्लाज्म। मतलब अगर आप मैटर की तीन स्टेज पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो ये चौथी स्टेज इसमें पड़ी है मैटर की, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी अभी हो भी रही है क्योंकि ये प्लाज्मा सेल के अंदर पड़ी है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद अब आप देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से यहां तक ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है। तो अगर आपको ये लिखना हो तो आप कहेंगे सर इसमें जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर न्यूक्लियस आता है जो सेंटर में है, कहीं पर भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है जो इस सेल की लिविंग आउटर बाउंड्री है, और साइटोप्लाज्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियस में अगर हम आपसे बात करें, तो इस न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो एक चीज की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी बाउंड्री है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा इसमें न्यूक्लियर पोर है, ये आप दूसरा देख रहे हैं, न्यूक्लियर पोर है। तीसरा इसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है ये। चौथा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और चौथा जो इसका लास्ट स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन है। मतलब अगर हम आपसे पूछे कि न्यूक्लियस में टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप बताएंगे सर न्यूक्लियस में ये चार कंपोनेंट है। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियर पोर, तीसरा है न्यूक्लियोलस, चौथा है न्यूक्लियोप्लाज्म, और पांचवा है क्रोमेटिन। ये जो बाउंड्री है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस है इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो डार्क स्ट्रक्चर है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसमें जो धागा पड़ा है इसे क्रोमेटिन नेट कहते हैं। चाहे आप क्रोमेटिन लिखें, चाहे आप इसे क्रोमेटिन नेट कह दें। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, तो साइटोप्लाज्म में आपके तीन तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें तीन तरह के सेल ऑर्गेनेल है। कौन कह रहा था कि तीन तरह के सेल ऑर्गेनेल्स है? सबसे पहला है जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर, दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दो मेम्ब्रेन है। और तीसरे सेल ऑर्गेनेल्स है जिन्हें हम लोग नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जिनके ऊपर कोई सेल कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इस तरह से अगर आप साइटोप्लाज्म देखें तो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया है। अगर आप देखें तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में अगर हम लोग नाम लिखे ऑर्गेनेल्स के, तो सबसे पहले आपका जो नाम आता है वो ईपीआर का आता है। ईपीआर का पूरा नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा जो आता है वो गॉल्गी बॉडी का आता है। गॉल्गी बॉडी दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। तीसरा जो आता है वो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आता है। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और चौथा स्ट्रक्चर जो आता है उसे हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये सेल के अंदर ऐसे चार स्ट्रक्चर हैं। ये सेल के अंदर ऐसे चार स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। आप नाम देख लीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, गॉल्गी बॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, और ये देखिए माइक्रोबॉडीज के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है। आपको याद करना है कि सेल के अंदर चार ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। आप यहां देख लीजिए, ये हमारी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, ये कोई मेम्ब्रेन और नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गॉल्गी बॉडी देखें तो इस गॉल्गी बॉडी के ऊपर भी एक ही मेम्ब्रेन है, इसलिए मैंने देखिए दूसरा नाम लिखा है। लाइसोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसे गोल कर देते हैं, इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, माइक्रोबॉडीज के ऊपर भी एक ही मेम्ब्रेन है। अगर हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो इसमें दो नाम आते हैं बेटा। एक नाम आता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसके ऊपर दो स्ट्रक्चर है।
अगर आपको डर लग रहा है तो आप देखिए माइटोकांड्रिया में ऐसे करते हैं, फिर आप इसके ऊपर ऐसे दो मेम्ब्रेन बना देते हैं, तो एक मेम्ब्रेन ये हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट है। मतलब माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो सेल है जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन है। याद करना है आपको, याद करना है आपको कि सेल के अंदर चार ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझिए आपका घर एक सेल है, आपके जो माँ बाप है वो न्यूक्लियस है, आपके जो पापा है बड़े पापा है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, शर्ट के ऊपर उन्होंने जैकेट पहन रखी है, उसके सिवा घर में जो लोगों ने एक एक शर्ट कपड़े पहन रखे हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोबॉडीज है। अब आप देखिए नेकेड सेलार्गनेल कौन कौन से हैं। अगर आप नेकेड सेलार्गनेल देखते हैं तो इसमें दो नाम आते हैं, एक नाम आता है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, दूसरा नाम होता है जिसे बेटा हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेल के अंदर दो स्ट्रक्चर हैं जो नेकेड है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि आप सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी आपको मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मिलता है वो सेल कोट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर अंदर जो मिलता है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म तीन चीजों से बना है, एक तो वो साइटोप्लाज्म से बना है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, और तीसरा वो न्यूक्लियस से बना है। मतलब ये तीन कंपोनेंट हैं जो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं सेल के अंदर, और ये तीनों लिविंग है क्योंकि अंदर इनके अंदर लिविंग एक्टिविटीज हो रही हैं, और न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे सेल कोट कहते हैं। सेल कोट दो हो सकती है, एक ग्लाइकोकैलिक्स और एक सेल वॉल। मतलब सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स हमेशा नॉन लिविंग होंगी क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। फिर आप अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो इसका कोई टाइप नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियस से पांच अलग अलग कंपोनेंट है, न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन किनेट है। ये जो न्यूक्लियस से लेके और साइटोप्लाज्म है इसके बीच में जो स्पेस है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म को मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज कहा जाता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। तो इस साइटोप्लाज्म में तीन तरह के सेलार्गनेल्स है, एक सेलार्गनेल से जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। कौन कौन से नाम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोबॉडीज। इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट के ऊपर दो मेम्ब्रेन है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम के ऊपर एक जीरो मेम्ब्रेन है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, राइबोसोम सेंट्रियोल को छोड़ के न्यूक्लियोलस भी है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्योंकि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में आता है इसलिए मैंने इसको नेकेड सेलार्गनेल में यहां नहीं लिखा है। और अगर आपको डीप में सीखना है, अगर आपको और डीप में सीखनी है बातें हैं तो आप एक चीज यहां पर और सीख लें तो आपको आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने पूछा माइक्रोबॉडीज कितनी तरह की होती हैं, तो माइक्रोबॉडीज के फर्दर तीन टाइप होते हैं, ये फिलहाल हम आपको आगे सिखाएंगे। अभी आप एक बात कंफर्म कर लें कि साइटोप्लाज्म में तीन तरह के सेलार्गनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्म गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोबॉडीज है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, नेकेड सेलार्गनेल में राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियोलस है। ये है सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये बात पढ़नी है। अगर आप सेल पढ़ रहे हैं तो आपको पहले सेल वॉल पढ़नी चाहिए, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़नी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी चाहिए, साइटोप्लाज्म पढ़ना चाहिए, न्यूक्लियस पढ़ना चाहिए। आप यहां देख लें, पहले आपको सेल वॉल पढ़नी चाहिए, फिर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी चाहिए, फिर आपको इस सेल के इस साइटोप्लाज्म जितने आर्गेनेल्स उनको पढ़ना चाहिए, फिर न्यूक्लियस पढ़ना चाहिए। जब ऐसा आप पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो अब हम आपको सेल बायोलॉजी में सबसे पहले सेल कोट पढ़ाते हैं। सेल कोट मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे सेल कोट कहते हैं। तो सेल कोट में अगर आप देखें, जैसे आपने कोई सेल बनाई, मान लीजिए आपने कोई सेल बनाई, तो सेल कोट में जो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स है उसके बारे में देख लें आप, ये आउटर बाउंड्री ऑफ बैक्टीरिया, आउटर बाउंड्री ऑफ बैक्टीरिया ना लिखिए आप प्रोटिस्टा लिखिए, आउटर बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। ये प्रोटिस्टेंस जो है, अगर आप प्रोटिस्टेंस देखें ऐसे यहां पर, तो ये प्रोटिस्टेंस है जिनकी आउटर बाउंड्री जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनकी जो मेन बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये देखिए
मतलब ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आउटर बाउंड्री के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई बाउंड्री पाई जाती है तो उसे ग्लाइको उसे सेल कोट में रखा जाता है। तो ये प्रोटिस्टेंस की आउटर बाउंड्री है, जो प्रोटिस्टेंस की सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये बाउंड्री पाई जाती है, इस बाउंड्री को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब आप देखिए इसका अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखें, किस चीज की बनी है ये बाउंड्री, केमिकल कंपोजिशन देखें, अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बना है, ये बनी है सियालिक एसिड की, सियालिक एसिड की ये सेल बनी है, मतलब ये मेम्ब्रेन बनी है। आपको ये याद करना है, ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोकैलिक्स आउटर बाउंड्री है, अगर आपसे कोई पूछे लिविंग है या नॉन लिविंग है तो आपको जवाब देना है ये नॉन लिविंग लेयर है, नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये मैंने पहले बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी बाउंड्री पाई जाएगी तो नॉन लिविंग होगी, ग्लाइकोकैलिक्स नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, सियालिक एसिड की बनी हुई है। फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे, इसका फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे, फटाक से आपको जवाब देना है कि सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन का काम है। ये जो प्रोटिस्टेंस है उनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है, मतलब प्रोटिस्टेंस को आउटर तरफ से बचाती है, बाहरी किसी भी अटैक से बचाती है। और दूसरी बात, फिर से आपको एक बात रिवाइज करनी है कि ये मेम्ब्रेन नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ये फटाक से आपको लिख देना है। तो ये पहली सेल कोड में पहली जो बाउंड्री है वो ग्लाइकोकैलिक्स है। इसकी जो दूसरी बाउंड्री है वो आपको पढ़ना है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये सेल कोड की दूसरी बाउंड्री है जिसे सेल वॉल कहते हैं, इसका डिटेल आपको पढ़ना है। सेल वॉल अगर आपको पता होगा बेटा तो आप लिखेंगे सेल वॉल जो है करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का ये करैक्टरिस्टिक फीचर है, करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, मतलब अगर प्लांट सेल के ऊपर, प्लांट सेल तभी कहेंगे जब उसकी आउटर बाउंड्री सेल वॉल हो। कैसे होगी सेल वॉल की लोकेशन क्या होगी, अगर कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल की आउटर बाउंड्री जो है ये सेल है, इसकी ये बाउंड्री का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो बाउंड्री पाई जाएगी, जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। हम पूरी सेल ना बना के बस आपको सेल वॉल की लोकेशन दिखा रहे हैं। ये सेल है, मतलब सेल में अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल है। दूसरी बात लिखना है, दूसरा कमेंट इसके बारे में लिखना है, प्रेजेंट इन बोथ, फटक से आपको कमेंट लिखना है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये नेक्स्ट कमेंट आपको फटाक से लिखना है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो अगर आपको और लिखना है, इसकी डिस्कवरी के बारे में लिखनी है, फटाक से लिखिए, इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी है, ऐसे लिखिए, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली सेल नहीं खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली सेल वॉल खोजी थी। ये टाइम है 1665 का। तो अब आप देखिए सेल वॉल जो है प्लांट सेल की करैक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरी बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है। डिस्कवरी देखी जाए तो इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। अगर हम इसके ये डिस्कवरी हो गई और ये इसकी अक्रेंस हो गई, प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है, रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा था। अगर हम इसे केमिकल कंपोजिशन अगर इसका देखें कि किस चीज की ये सेल वॉल बनी है, केमिकल कंपोजिशन अगर देखें, सेल वॉल की कंपोजिशन देखें, तो आप देखिए आपको सारे केमिकल कंपोजिशन के याद होने चाहिए, किस चीज में कहां पर सेल वॉल बनी है। एक तो आपको याद करना है कि बैक्टीरिया में किसकी बनी है, तो बैक्टीरिया में बनी है, देखिए बैक्टीरिया में बनी है पेप्टाइडोग्लाइकान की, ऐसे लिख लीजिए, यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकान की सेल वॉल है। या आपको और डिटेल में सीखना है तो आप समझ लीजिए कि यह बनी है एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड की।
अगर हम लोग फंगस की बात करें, फंजाई की बात करें, तो फंजाई में जो बनी है ये काइटिन की बनी है, CHITIN। अगर हम एल्गी में बात करें, एल्गी में, तो एल्गी में बनी है, किसकी बनी है, देखिए गैलेक्टन्स की बनी है, गैलेक्टन्स की बनी है, और ये देखिए मैनस की बनी है, मैनस की बनी है, और ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। लास्ट में देखिए, अगर आपसे पूछे ग्रीन प्लांट्स में किसकी बनी हुई है, तो ग्रीन प्लांट्स में अगर आपसे पूछे, ग्रीन प्लांट्स में ये जो शिलवाल है बेटा, ये सेलुलोज की बनी है। ये देखिए सेलुलोज की बनी है। इस तरह से अगर आप देखें तो शिलवाल जो है करैक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल की, आउटर बाउंड्री है प्लांट सेल में। अगर आपको किसी भी सेल में सिलवाल बाहर दिखाई पड़ती है तो वो प्लांट सेल है। इसके डिस्क और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों पाई जाती है, बैक्टीरिया भी पाई जाती है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया प्लांट है। यूकैरियोटिक सेल में ग्रीन प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में पाई जाती है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। केमिकल कंपोजिशन अगर देखें तो बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी है। अगर आपको इसमें से डर लग रहा है तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान में और आप कन कर सकते हैं, इसमें दो नियम आते हैं, एक नैम आता है और एक नैग आता है, इसकी बनी हुई है। फंजाई में काइटिन की बनी है, एल्गी में ये गैलेक्टन्स माइनस है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज की बनी है। मतलब अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग बनी है। इसमें अगर आप ये देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि ये तीनों सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों पाई जाती है। आपको याद रखना है सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जहां पर सेल वॉल पढ़ते हैं उसकी पहली लाइन में बात लिखी गई है कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होती है।